हेलो टू ऑल ऑफ यू। हम लास्ट सेशन में कर रहे थे सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके फीचर्स किए थे। अब हम करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हैंड्स में होते हैं और ओनरशिप हम सबके हैंड्स में होती है। अब इसके मेरिट्स, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू सोशल प्रायोरिटीज। अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी जो प्रोडक्शन के डिसीजन है वो कैसे लिए जाते हैं, सोशल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। एंड अगर हम कैपिटलिज्म कर रहे थे, कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन कैसे की जाती थी, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोटिव। जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा होगा उसमें ही डिसीजन लिया जाता था, उसमें ही प्रोडक्शन ज्यादा की जाती थी। लेकिन अंडर द सोशलिज्म क्या होते हैं, प्रोडक्शन वही गुड्स की जाती है जिसमें सोसाइटी की वेलफेयर हो, सोसाइटी की नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होती है। कैपिटलिज्म में क्या था, हर एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करना चाहता था, सो वो रिच क्लास के अकॉर्डिंग लग्जरी गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, लेकिन जो नेसेसिटी गुड्स हैं उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। बट अंडर द सोशलिज्म सिस्टम जो प्रोडक्शन है वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होती हैं, जिसकी वजह से जो सोशल गुड्स हैं, नेसेसिटी गुड्स हैं, उसकी कभी कमी नहीं होती। एंड प्रोडक्शन सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होती है, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज होता है। सेकंड वन इज इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन है उसका डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेती है। वो डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं इन सेक्टर में आपस में कोऑपरेशन रहे, उन सेक्टर में कोऑपरेट करती है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो प्रॉपर एलोकेट होते हैं। देन थर्ड इज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिवेलप करती है। जी हमारे प्रूफ हुआ है सोवियत यूनियन आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या था, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा डिवेलप किया है। आज के टाइम इसको डिवेलप इकोनॉमी कहते हैं। वो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट कैसे हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, वो देख रही है कि इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इकोनॉमी में नेसेसिटी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करना है और सस्टेनेबल डिवेलपमेंट करनी है, वो भी सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है। इवन कि जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिवेलपमेंट है गवर्नमेंट खुद करती है। सो इकोनॉमी क्या करती है, ज़्यादा डिवेलप करती है, न्यू इनोवेशंस होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डिवेलप होती है अंडर द सोशलिस्ट सिस्टम। देन फोर्थ इज इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। जो हमारे प्रोडक्शन है, मीन्स प्रोडक्शन के मीन्स हैं, वो सभी गवर्नमेंट के हैंड्स में है, गवर्नमेंट के कंसंट्रेट करती है, तो सभी के सभी वर्कर हैं किसके पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी को वेजिस, इक्वल वेजिस दे रही है फॉर इक्वल वर्क। जो जितना काम करेगा उसको उतनी ही वेजिस मिलेंगी, तो इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा है। ये सभी सोसाइटी पर मिल रहा है, सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन भी सोशल नीड्स की अकॉर्डिंग हो रही है। सो इकोनॉमी में इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस इंक्रीज होता है। फिफ्थ वन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसमें क्या है कि अंडर द सोशलिस्ट सिस्टम सभी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसके रिगार्डिंग, हर एक काम के लिए, क्या मैं कौन सा वर्क करना है उसके लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वेयर कहाँ पर काम करना है इसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मैंने क्या कंज्यूम करना है, जितने गुड्स हैं उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है।
किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाता किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड्स के लिए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए। इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, इंसेंटिव टू वर्क हार्ड कैसे हुआ, अंडर सोशलिस्ट सिस्टम जो डिसीजन है वो वर्कर के थ्रू लिए जाते हैं। अगर वर्कर डिसाइड करता है कि मैंने ये काम करना है किस वजह से करना है, तो वो काम को कंप्लीट भी करेगा। बट अंडर कैपिटलिज्म क्या होता था, वर्कर क्या होते हैं, वो डिसीजन प्रोसेसिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनको किससे मीनिंग है, अगर मैं काम करूंगा तो मुझे वेजेस मिल जाएंगे। बट अंडर अ सोशलिस्टिक सिस्टम क्या होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें वर्कर ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर वर्कर इन्वॉल्व होंगे तो वे क्या करते हैं, जो डिसीजन ओनर ने लिया है और उसको पूरा कंप्लीट भी करने की कोशिश करते हैं, वो जे काम अपनी मेहनत से प्रॉपर करते हैं। वो इंसेंटिव होते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उसको सही प्रूव कर सके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट के प्राइस कैसे होने चाहिए। प्राइस डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होते हैं, बाय द गवर्नमेंट डिसीजन। तो इकोनॉमी में प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज नहीं होते हैं, इकोनॉमी स्टेबल रहती है। नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी सभी वर्कर को जॉब मिलती है, काम मिलता है, कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है। सो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी की मेन फीचर है, इसका सबसे ज्यादा मेरिट भी यही है। नो एक्सप्लाइटेशन ऑफ द लेबर, जो भी हमारे वर्कर हैं उनके उनकी कोई एक्सप्लाइटेशन नहीं होती, बिकॉज अंडर सोशलिस्ट सिस्टम इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। जितना हम काम करेंगे उतनी ही इक्वल वेजेस होगी, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इनकी वेस्टेज नहीं होती है, प्रॉपर एलोकेशन होती है, यूटिलाइजेशन होती है। दीज आर द मेरिट्स ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ डी मेरिट्स ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर जे गवर्नमेंट्स के हैंड में कंसंट्रेट करती है, जिससे इनएफिशिएंसी इंक्रीज होती है। देन लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेंटी। अंडर द सोशलिस्ट सिस्टम कंज्यूमर को फ्रीडम नहीं दी जाती, वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या गुड्स कंज्यूम करनी है, इसका डिसीजन गवर्नमेंट लेती। उसके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती कि मैंने कौन सी गुड कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करनी है, जिससे उसका वेलफेयर मैक्सिमम नहीं हो पाता। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, लैक ऑफ इंसेंटिव मीन कि हम इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा अर्न नहीं करेंगे। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा अर्न नहीं कर सकते तो मुझे ज्यादा काम करने का इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। जितना भी मैं अर्न करती हूँ उतना ही मैं स्पेंड कर देती हूँ, तो मैं ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी अर्न नहीं कर सकती तो मुझे इंसेंटिव भी नहीं होता कि मैं ज्यादा वर्क हार्ड करूँ। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ अफेक्टिव कॉम्पिटिशन। सोशलिज्म में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिशन प्रिवेल ही नहीं कर रहा। अगर कंपटीशन प्रिवेल नहीं करेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हो पाती और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी रिड्यूस नहीं होती। सो इसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी डाउन चली जाती है, इफ बिकॉज कंपटीशन प्रिवेल नहीं कर रहा मार्केट में। नेक्स्ट इज रेड टैपिज्म एंड इनडिफरेंस। रेड टैपिज्म सोशलिज्म में बहुत ज्यादा प्रिफेल करता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि अगर कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस डिमांड चेंज होती है, इमीडिएटली प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा होते हैं, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है।
अगर कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, डिमांड चेंज हो रही है, वो क्विकली डिसीजन नहीं ले पाते। नेक्स्ट इज नो इकोनॉमिक इक्वैलिटी। हम कह रहे हैं कि जे जो प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो गवर्नमेंट्स के हैंड में होते हैं। जो जितना वर्क करता है उसको उतनी ही इनकम अर्न होती है। लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, आज भी उसमें दो क्लासेस प्रिवेल कर रही हैं, पुअर एंड रिच। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी उन कंट्रीज में भी प्रिवेल नहीं कर रही। इनसफिशेंसी ऑफ रिसोर्सेस सफिशेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रिसोर्सेस को एलोकेट करती है। जब रिसोर्सेस एलोकेट हो रहे हैं, जो कोई वीक इंडस्ट्री है, जो इल इंडस्ट्री है, जो प्रॉफिट अर्न नहीं करी, उसमें ज्यादा रिसोर्सेस को एलोकेट कर देती है। तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, वो कम हो जाते हैं। रिसोर्सेस प्रॉपर एलोकेट नहीं हो पाते और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए इनसफिशेंट रह जाते हैं। देन लास्ट डीमेरिट इज नो फ्रीडम। नो फ्रीडम टू वर्क आल्सो। जो वर्कर है ना, उनको कोई फ्रीडम नहीं है कि मैं अपनी मनपसंद का काम कर सकूं। उनको जो काम दिया गया है, वर्कर को वो ही काम करना पड़ेगा। अगर हम अपना चॉइस का काम करते तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। लेकिन अंडर कैपिटलिज्म क्या होता है, वर्कर को फ्रीडम नहीं होती है। लास्ट जी अमेरिकन नो फ्रीडम। अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी जो वर्कर हैं, उनको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही। इवन कि मुझे क्या काम करना है, इसकी फ्रीडम भी नहीं है। अगर मैं अपनी मर्जी का काम करूं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अंडर अ सोशलिस्ट सिस्टम वर्कर को कोई फ्रीडम नहीं मिल रही, जिस वजह से इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इनएफिशिएंसी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी भी लो होगी। प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से क्या होता है, उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हमने ये देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स भी बहुत हैं। मेरिट्स क्या है कि रिसोर्सेस प्रॉपर एलोकेट हो रहे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है, इसकी वेल्थ है कुछ सिर्फ गवर्नमेंट्स के हैंड में होती है। वो पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर को कंसंट्रेट कर लेती है, और इकोनॉमिक डिसीजन है वो सभी गवर्नमेंट लेती है। सो इसको जरूरत क्या है, जो सोशलिस्ट सिस्टम है बहुत अच्छा तो है, लेकिन इसको ग्रास रूट तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और इसमें रेड टेपिज्म ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस को प्रॉपर एलोकेशन करने की जरूरत है। इसको जो कंज्यूमर है उनको प्रॉपर फ्रीडम देने की जरूरत है, जिससे सोशलिज्म और भी ज्यादा ग्रो करेगा। विद दिस हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।